वेलकम बैक इन दिस क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने होली लेसन को कंप्लीट किया और उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने प्रैक्टिस किए थे, तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और आप जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनका आंसर जो है, मैंने जैसे आपको मेथड्स बताए उसके अकॉर्डिंग आपको है वो रेडी करने हैं, तैयार करने हैं, उनको लर्निंग भी करनी है उनकी, और उनके जो सेंटेंस जिस प्रकार से मैंने बताए थे आपको बना करके, वैसे आपको सेंटेंस भी फ्रेम करने हैं और इजी सेंटेंस बनाएं, छोटे सेंटेंस बनाएं, टेंस का उसमें प्रॉपर यूज करें, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसको प्रॉपर यूज में लें आप। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग, फिर मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर जो रिमेनिंग पार्ट है इसमें अपने एडजेक्टिव वगैरह, एडवर्ब वगैरह जो भी उसमें आते हैं तो रिमेनिंग पार्ट में आपको लिखने हैं। नेगेटिव आता है तो नेगेटिव में आप हेल्पिंग के साथ में नोट का यूज कर सकते हैं। ओके, आज की क्लास में हम जो स्टडी करने वाले हैं वो स्टडी हम ये करेंगे कि आजकल जो प्रेजेंट टाइम की अपन बात करें तो बच्चों के कई प्रकार की प्रॉब्लम्स रहती हैं। जो टीनेज के बच्चे होते हैं, 19 इयर्स तक जो बच्चे हैं उनके कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ हमारा जो आज का लेसन है, ओके, आज का जो लेक्चर है उसका नाम है ग्रोइंग अप पेंस। ग्रोइंग अप पेंस मीन्स होता है किशोरावस्था की पीड़ाएं, जो ज़्यादातर यूँ कह सकते हैं आप 13 से लेकर के और 19 ईयर्स की जो एज होती है उसमें ये इस प्रकार की पीड़ाएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। क्या क्या होती हैं, बच्चे किस प्रकार का जो है इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं वो हम स्टडी करने वाले हैं। तो ये लेसन आपके लाइफ में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, तो आप इसको उस प्रकार से स्टडी करेंगे। बहुत अच्छा लेसन है इसमें, क्योंकि अभी जो 10th क्लास के बच्चे हैं वो इसी एज में हैं, ओके, और उनकी एज के अकॉर्डिंग ही उनको लेसन स्टडी करवाया जा रहा है। तो जो लेसन अभी जो टीचिंग जिसकी कर रहे हैं, जिस लेसन को हम पढ़ा रहे हैं, वो लेसन उनके एज के अकॉर्डिंग है और वो प्रेजेंट टाइम में इन चीज़ों का फेस भी कर रहे हैं और उनको क्या करना चाहिए उसके बाद में इनका फेस करके इनका जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन भी आपको जो है उसके अकॉर्डिंग ही निकालना पड़ेगा। तो हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, ओके। तो यहाँ पर हम आज स्टडी करने वाले हैं किशोरावस्था की पीड़ाएँ, ओके। तो कुछ स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे होंगे, लेकिन मैक्सिमम ये होता है कि किशोरावस्था में जो भी पीड़ाएँ होती हैं उनको हम स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। लाइफ इज हार्ड, राइटर ये कह रहा है कि लाइफ क्या है, हार्ड है, बहुत टफ है, कठिन है। जीवन क्या है, जिंदगी कठिन है। आई टेल माई सेल्फ, राइटर कह रहा है कि मैं अपने आप से कहता हूँ कि जिंदगी क्या है, कठोर है या हार्ड है, कठिन है। एज आई स्टैंड बिफोर द मिरर, जब मैं खड़ा होता हूँ, बिफोर द मिरर, मिरर मीन्स दर्पण, शीशा, जब मैं शीशे के सामने खड़ा होता हूँ, ओके, तब मैं अपने आप से कहता हूँ कि लाइफ क्या है, टफ है, हार्ड है। एंड वॉच एक्नी, एक्नी का मतलब जो पिंपल्स वगैरह होते हैं, ओके, जो नॉर्मल सी नॉर्मल फुंसी हो जाती है और उसमें से जो वाइट वाइट एक वेस्टिज निकलता है उसको कहते हैं एक्नी, ओके। दैट ड्रेडेड, जो एक तरह से डरा देता था, या ये डरावना क्या होता है, स्कम होता है, स्कम मीन्स फॉर्म, झाग, किसी बीमारी का एक झाग सा बन जाता है, वाइट वाइट, ओके। और वो क्या कर रहा होता है, प्लेइंग हैवक, प्लेइंग हैवक मीन्स नुकसान, हानि, जो हानि पहुंचा रहा होता है विद माय फेस, मेरे चेहरे पर जो है इस प्रकार की हानि हो रही होती है। कहने का मतलब इस उम्र में बच्चों के चेहरे पर जो है कई प्रकार की फुंसियाँ हो जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं, कील जिसको अपन कहते हैं वो बढ़ जाती है, फिर उनको जो है किसी मान लो मेडिसिन से या फिर ऐसे उनको निकालते रहते हैं, और जैसे उनको बार बार निकालते हैं कील्स वगैरह जो होती हैं, पिंपल्स वगैरह जो होते हैं, तो उससे क्या है वो ज़्यादा फुंसी जो है और ज़्यादा बड़ी हो जाती है, और ज़्यादा बड़ी होने के बाद में इस चीज़ का नुकसान जो है बच्चों को ज़्यादा होता है, ओके, और उससे चेहरा जो है, फेस है वो ख़राब हो जाता है। तो ये चेहरे के साथ में जो झाग है ये एक नुकसान का काम कर रहा है, ये बीमारी के रूप में पनप रहा है। आई विश, मेरी इच्छा है, राइटर की इच्छा है कि आई कुड ड्राइव द पिंपल्स आउट, मैं इन सभी पिंपल्स को निकाल के बाहर फेंक दूँ, विद ए वेव ऑफ द हैंड, मेरे हाथ के इशारे से, मेरे हाथ के बिल्कुल झटके से मैं इन सभी पिंपल्स को बाहर निकाल सकता हूँ, या मेरी इच्छा है कि मैं निकाल दूँ, काश मैं इनको निकाल दूँ या निकाल सकूँ, ये कह रहा है, मेरी इच्छा है कि मैं इन्हें
पिंपल्स को तुरंत ही एक हाथ के झटके से मैं इनको बाहर निकाल सकूं, ओके। देन आई टेल माई सेल्फ, फिर मैं अपने आप से कहता हूँ कि दैट एक्नी इज ए टेम्प्रेरी रेवेज। ये जो एक्नी है, जो पिंपल्स होते हैं, कील वगैरह जो होती है, ये क्या है, एक तरह से टेम्प्रेरी अस्थाई रेवेज होता है, अस्थाई नुकसान होता है, किसको, चेहरे को और तो किसको। दैट मेक्स लाइफ ए लिटिल लेस, जिससे जीवन क्या बन जाता है, दैट मेक्स लाइफ ए लिटिल लेस कंफर्टेबल। जीवन है वो थोड़ा सा लेस कंफर्टेबल हो जाता है, मतलब इसमें थोड़ा आराम नहीं मिलता। फिर चेहरे पर इस प्रकार के पिंपल्स फुंसियां वगैरह होती हैं तो चेहरा खराब होता है, कई बार उसमें पैन भी होता है, और ये पैन होने की वजह से थोड़ा जो टीनेज का बच्चा है, टीनेजर है, वो परेशान ज़्यादा होता है। उसको इस प्रकार की जो ये एक्ने वाली प्रॉब्लम है वो नहीं चाहिए, उसको चेहरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन चाहिए। लेकिन ये हो जाता है, टीनेज की एक तरह से फीचर मान सकते हैं, इसको विशेषता मान सकते हैं, बट इट इज एस श्योर साइन, बिल्कुल ये निश्चित विश्वस्त। देखो इसका प्रोनाउंसिएशन वैसे रियलिटी में फोनेटिक्स के अकॉर्डिंग तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है सू है, क्या होता है सू है, लेकिन मैक्सिमम क्या पढ़ते हैं इसको शोर पढ़ता है। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है, लिंग्विस्टिक जो ग्रामर है, लिंग्विस्टिक में इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, मतलब बदलना, ओके। और इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है उस प्रोनाउंसिएशन में इसको सू पढ़ता है, ओके। अब ए चाइल्ड माउल्टिंग इन टू एन एडल्ट, और बच्चा फिर क्या होता है, धीरे धीरे जो है, एक ये जो पिंपल्स होते हैं साइन किसका होते हैं, चाइल्ड माउल्टिंग इन टू एन एडल्ट, बच्चा जो है, बच्चा है वो किस में तब्दील हो रहा है, किस में उसका चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, एक छोटी एज से थोड़ा बड़ी एज में जा रहा है वो। एडल्ट जो अवस्था होती है, एडल्ट जो वयस्क जिसको कहते हैं हिंदी में, तो वो वयस्क बनने जा रहा है, ये इसका साइन होता है, ओके, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक्नी जो किसका साइन है, ये एक्नी बिल्कुल विश्वस्त कह सकते हैं, निश्चित कह सकते हैं, साइन होता है किसका, कि बच्चा क्या कर रहा है, चाइल्ड माउल्टिंग इनटू एन एडल्ट, बच्चा एक एडल्ट के रूप में परिवर्तित हो रहा है, उसकी अवस्था चेंज हो रही है, उसकी एज जो है वो चेंज हो रही है। ये फिलहाल जो चल रहा है, ये राइटर के साथ खुद के साथ हो रहा है, या खुद के साथ हुआ था ये किसी एज में, फिर राइटर ने जो प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ी अपनी इस एज में, उस एज की प्रॉब्लम को ये एज इट इज बयां कर रहा है। यानी कि मतलब अपना जो एक्सपीरियंस है उसको सभी रीडर्स के साथ में शेयर कर रहा है, ओके। और ऐसा अक्सर होता है, लाइफ इज टफ, फिर वो कह रहा है कि मैं कहता हूँ कि जीवन क्या है, टफ है, बहुत कठोर है जीवन, ओके। आई टर्न अवे फ्रॉम द मिरर, जब मैं दर्पण के सामने से हटता हूँ या मुड़ता हूँ एक तरह से, आई टर्न अवे फ्रॉम द मिरर When it strikes me like a bolt of lightning, तो ये मुझे क्या करता है, स्ट्राइक करता है, कैसे, जैसे कोई आकाश से बिजली स्ट्राइक करती हो, आकाश से बिजली की जो आवाज़ आती है एकदम से पड़ करके वापस चली जाती हो, उसका कितना भयंकर डर सा होता है एक तरह से, वैसे जब मैं दर्पण के सामने जाता हूँ तो मेरे चेहरे पर जो एक्नी है, मेरे चेहरे पर जो पिंपल्स बन रहे हैं, वो पिंपल्स मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, ओके। ऐसे आकाश से बिजली जो चमक होती है, कौंध होती है, उसके समान मुझे लगते हैं कि मेरे चेहरे पर ये क्यों हो रहा है, जैसे वो नुकसान करती है वैसे मेरे चेहरे को ये भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। माय वॉइस हैज टर्न रफ, मेरी जो आवाज़ है वो रफ हो गई है, खुरदरी हो गई है, एंड ऑलमोस्ट रॉकस, रॉकस का मतलब होता है कर्कश और फटी हुई। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती हो, टीन एज से एडल्ट वाली जो एज है, 19 के बाद वाली जो एज है उसमें वो जाता है, तब उसकी जो आवाज़ है वो चेंज हो जाती है, ओके। इसमें जो गर्ल्स हैं उनकी आवाज़ तो तीखी हो जाती है, और जो बॉयज हैं उनकी आवाज़ रफ हो जाती है, कर्कश हो जाती है, मोटी आवाज़ बन जाती है। ये चेंजेज होते हैं इस अवस्था के, किशोरावस्था के कुछ चेंजेज ये होते हैं, ओके। इट ग्रेट्स इफ आई मे एड, अब ये क्या है, मेरी आवाज़ में क्या होता है, ग्रेट्स इमिटेट्स मीन्स नकल, ये मेरी आवाज़ है एक तरह से, नकल करने वाली से आवाज़ होती है। इफ़ आई मे ऐड, यदि मैं इसमें कुछ ऐड करता हूँ आगे, मतलब मैं कुछ बोलता हूँ आगे, ओके, तो क्या होता है, ये नकल करने वाली आवाज़ सी होती है, कि शायद मैं किसी कर्कश बोलने वाले व्यक्ति की नकल कर रहा हूँ, तो मेरी आवाज़ कैसी हो जाती है, कर्कश हो जाती है, एक नकल करने वाली से आवाज़
हो जाती है। वेयर हैज माई स्वीट सॉफ्ट वॉइस गॉन, फिर ये क्या सोचता है, राइटर कह रहा है कि मैं ये सोचता हूं वेयर हैज माई स्वीट सॉफ्ट वॉइस गॉन, मेरी जो बिल्कुल मधुर और जो बिल्कुल नम सॉफ्ट जो मेरी आवाज थी वो कहां चली गई है। ओके, अब वो सॉफ्ट आवाज पहले वाली नहीं आ रही, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो उसकी आवाज जो है वो चेंज होती चली जाएगी। तो ये फिर कह रहा है, क्या कह रहा है कि हैव आई कॉट ए कोल्ड, क्या मुझे सर्दी ने जकड़ लिया है, क्या मुझे जुखाम जो है उसने जकड़ लिया है। ओके, सच ग्रफनेस, ग्रफनेस रूखापन, ऐसा जो रूखापन है वो साथ साथ होता है मेरी आवाज में जो है, ये रूखापन भी क्या होता है साथ साथ होता है विद ए कोल्ड, जब सर्दी लगती है सर्दी के साथ में मेरी आवाज में रूखापन आ जाता है। ओके, और ये वैसे भी हो जाता है सर्दी के साथ साथ, और जो एज है टीनेज में वो एंटर कर रहा है तो उसमें भी जो है ऐसा हो जाता है, उसमें भी एक तरह से आवाज मोटी होने लग जाती है। बट द कॉमन कोल्ड एंड आई हैव नथिंग टू डू विद ईच अदर, वो कह रहा है कि कॉमन कोल्ड और मेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं है, ईच अदर मेरा और इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, इसके कारण ही होता है। एटलीस्ट दिस मोमेंट, इस क्षण जो है, इस क्षण जो सर्दी का जो है मेरे से कोई वास्ता ही नहीं है। ओके, द कॉमन कोल्ड एंड आई हैव नथिंग टू डू विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, इस सर्दी की वजह से मेरे को जो है इस प्रकार की प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रही है। इज देयर एन अनकॉमन कोल्ड, ये तो ऐसा मन में सर्दी है, ये तो ऐसा मन में सर्दी है। और ए लाइट बेंटर, बेंटर का मतलब होता है चिढ़ाने वाले जो रिमार्क्स होते हैं या टिप्पणी करते हैं लोग, वो टिप्पणी उससे क्या होता है लिफ्ट्स माई स्पिरिट, वो मेरी आत्मा जो है उसको झकझोर देती है एक तरह से, क्योंकि चेहरे पर इस प्रकार के निशान है तो लोग कोई भी किसी प्रकार का कमेंट जो है वो कर देता है और वो कमेंट मुझे एब्सोल्युटली परेशान करता है। मेरा चेहरा जो क्लीन नहीं है इसकी वजह से लोग क्या है टिप्पणी कर देते हैं, तो एक हल्की सी टिप्पणी जो है, हल्की चढ़ाने वाला जो रिमार्क है वो मेरा क्या करता है, मेरी आत्मा को झकझोर देता है, मेरी आत्मा को उठा देता है। ए कॉमन कोल्ड इज कॉमन टू ऑल मैनकाइंड, सामान्य जो सर्दी होती है वो सर्दी सबके लिए सामान्य है, पूरी मानवता के लिए सामान्य है वो। ए कॉमन कोल्ड इज कॉमन टू ऑल मैनकाइंड, सभी लोगों के लिए जो है वो सर्दी सामान्य है, जो सामान्य सर्दी वो सबको लगती है, स्पेशली मेरे को तो लगती नहीं है, सबको लगती, मेरे को लगती और को भी लगती है, लेकिन इस चीज को जो है वो राइटर है वो बयां कर रहा है कि मेरे साथ ये हो रहा है। ओके, करूँ तो मैं क्या करूँ, इस प्रकार की जो एक कंफ्यूजन वाली जो कंडीशन है वो राइटर के साथ हो रही है, और राइटर नहीं ये सबके साथ होती है, उसने अपना एक निजी प्राइवेट एक्सपीरियंस है वो शेयर किया हमारे सामने, क्योंकि उसके साथ में ऐसा हुआ था। ओके, तब उसने अपना जो एक्सपीरियंस है राइटर ने वो हमारे साथ शेयर किया। अब थोड़ा सा इसका हम ग्रामेटिकल पोर्शन देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टेंसेस का यूज है या और कोई इसका जो है टॉपिक दिया गया है ग्रामर। लाइफ इज टफ, जीवन कठोर है, तो इज है वो मैन वर्ब के रूप में है, तो प्रेजेंट टेंस हो गया यहाँ पर। आई टेल माई सेल्फ, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ में, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस, अपने आप से कहता हूँ कि जीवन क्या है कठोर है। एज ए स्टैंड बिफोर द मिरर, जब मैं दर्पण के सामने खड़ा होता हूँ तो यहाँ पर भी पास प्रेजेंट सिंपल है। ओके, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। एंड वॉच एक्नी, और जब मैं एक्नी देखता हूँ फिर ये प्रेजेंट जो है वो सिंपल आ गया, यहाँ पर क्या लगभग प्रेजेंट ही आएगा। ओके, क्योंकि ये जो है वो प्रेजेंट का ही लेसन है, वैसे पास्ट की स्टोरी नहीं है इसमें, जो प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट इसमें ज़्यादा आएगा। दैट ट्रीटेड स्कम ऑफ ए डिजीज, एक भयंकर जो बीमारी उसके घातक एक तरह से डराने वाले डरावने टाइप के जो है वो झाग से हैं उनकी वजह से डर लगता है। ओके, प्लेइंग हैवक विद माय फेस, जो मेरे चेहरे के साथ में एक तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बीमारी जो मेरे चेहरे पर आ गई है। आई विश, मेरी इच्छा, आई कुड ड्राइव द पिम्पल्स आउट, मैं इन पिम्पल्स को जो है मेरी इच्छा है कि मैं उसको बाहर कर सकूँ। ओके, विद अ वेव ऑफ हैंड, एक हाथ के झटके से तुरंत जो इनको बाहर कर दूं। तो ये एक तरह से कौन से सेंटेंस हो गए, ये एक तरह से हो गए ऑप्टेटिव सेंटेंस, काश ऐसा होता, काश मैं ऐसा कर देता, उस प्रकार के सेंटेंसेस हैं। फिर है इसमें देन आई टेल माई सेल्फ, फिर मैं अपने आप से कहता हूँ, तो यहाँ पर फिर से प्रेजेंट सिंपल टेंस आ गया। दैट एक्नी इज अ टेम्परेरी रेमेडी, एक्नी क्या है, एक अस्थायी नुकसान है, इज का यूज है यहाँ पर प्रेजेंट टेंस के रूप में।
दैट मेक्स लाइफ अ लिटिल लेस कंफर्टेबल, मेरे जीवन को थोड़ा सा क्या बना देता है, लेस कंफर्टेबल, जिसमें आराम नहीं होता है, थोड़ा सा आराम नहीं होता, मतलब एक तरह से कंफर्टेबल नहीं है वो, आजाद नहीं है वो, पूरी तरह से कंफर्टेबल आरामदायक महसूस नहीं कर रहा अपने आप को, कम आरामदायक महसूस कर रहा है। तो यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल मैक्स जो है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज है यहाँ पर, फर्स्ट के साथ में, फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस का यूज किया गया है। कंफर्टेबल फॉर ए टीनेजर, जो टीनेजर को क्या बना देता है, कम कंफर्टेबल बना देता है, बट इट्स ए सुसाइन ऑफ ए चाइल्ड। तो ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में इज का यूज है यहाँ पर। माउल्टिंग इन टू एन एडल्ट, जो बच्चा उस वक्त क्या है, एक एडल्ट के रूप में परिवर्तित हो रहा है, या उसको लाइफ का जो एक तरह से जो सोपान है वो चेंज हो रहा है, उसकी स्टेज है वो चेंज हो रही है। लाइफ इज टफ, जीवन कठिन है, तो यहाँ पर इसका यूज मैन वर्ब के रूप में है। आई टर्न अवे फ्रॉम द मिरर, जब मैं दर्पण के सामने से हटता हूँ, तो यहाँ पर टर्न का ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस। वैन इट स्ट्राइक्स मी, तो मैं जैसे हटता हूँ तो मुझे स्ट्राइक करता है, झकझोरता है, लाइक ए बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, आकाश से बिजली की तरह, जैसे वो डरावनी होती है वैसे मेरे चेहरे के जो पिंपल्स हैं वो भी डरावने हैं। माई वॉइस हैज टर्न रफ, मेरी आवाज़ बदल गई है। हैज टर्न मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है। ऑलमोस्ट रॉकस, और ये कैसा है, ऑलमोस्ट रॉकस है, कर्कस और फटी हुई, मेरी आवाज़ बिल्कुल कर्कस और फटी हुई है। इट ग्रेट्स, ये नकल करने वाली सी आवाज़ है। If I may add, जब मैं कुछ आगे बोल सकता हूँ या बोलता हूँ तो इसमें ये नकल करने वाली आवाज़ होती है। Where has my sweet soft voice gone, मेरी जो बिल्कुल मधुर जो आवाज़ है वो कहाँ चली गई। ओके, तो has के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज है। Have I caught a cold, क्या मुझे सर्दी ने जकड़ लिया है, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, have के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। सच ग्रफनेस, ऐसा रूखापन जो है वो साथ साथ होता है, गोज हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड मीन्स होता है टुगेदर, साथ साथ, विद अ कोल्ड, सर्दी के साथ ऐसा रूखापन आवाज में आ जाता है। पर द कॉमन कोल्ड एंड आई हैव, कॉमन कोल्ड और जो मैं है, मैं खुद, नथिंग टू डू विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है, सामान्य सर्दी के साथ में और मेरे साथ में, दोनों के साथ हमारा कोई कॉम्बिनेशन नहीं, फिर भी सर्दी पता नहीं मुझे क्यों जकड़ लेती है। एटलीस्ट एट दिस मोमेंट, इस क्षण तो सर्दी से मेरा कोई वास्ता ही नहीं है, मेरी जो एज है उसके अकॉर्डिंग सर्दी से मेरा वास्ता नहीं है, उसके बाद भी मुझे पता नहीं है अनकॉमन कोल्ड जो है वो क्यों हो जाता है, ये राइटर सोच रहा है। इज देयर अनकॉमन कोल्ड, क्या ये ऐसा मान्य सर्दी है, तो यहाँ पर भी इज का यूज है, वो मैन वर्ब के रूप में किया गया है। ओके, ए लाइट बेंटर, एक हल्का सा जो रिमार्क है, एक तरह से चढ़ाने वाला जो रिमार्क है, वो क्या कर देता है, लिफ्ट्स माय स्पिरिट, वो मेरी आत्मा को झकझोर देता है, मेरी आत्मा को जगा देता है। तो यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया गया है। ए कॉमन कोल्ड इज अनकॉमन टू ऑल मैनकाइंड, एक सामान्य सर्दी जो है वो सभी के लिए सामान्य होती है। ए कॉमन कोल्ड इज कॉमन टू ऑल मैनकाइंड, इसका यूज मैन वर्ब के रूप में है, मतलब प्रेजेंट टेंस का यहाँ यूज किया गया है, इसका यूज मैन वर्ब के रूप में यहाँ मेंशन किया गया है। ओके, तो राइटर को जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करना अच्छा लगा, और उसने अपना एक्सपीरियंस जो है प्राइवेट एक्सपीरियंस शेयर किया है लाइफ का, कि उसके साथ भी ऐसा हुआ था, और उसके साथ भी आज के दौर में, प्रेजेंट टाइम में, हर जो टीनेजर है, हर जो बच्चा है टीनेज का, उसको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और क्रिएट होती भी है। ओके, तो हमें इस प्रकार से रिलेशन को जो है, इसके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उनको सबको लर्न करना है। इसके अलावा इसका ट्रांसलेशन भी हमें करना है अच्छी तरह से, और ट्रांसलेशन करके, और हमें इसका जो स्टोरी नहीं है ये, इस लेसन को हमें अच्छी तरह समझना पड़ेगा। इसकी जो क्वेश्चन आंसर है हम जब करेंगे, तो हमें इस लेसन के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कम्प्लीटली, कि हमने लेसन में क्या क्या पढ़ा। ये स्टोरी नहीं है, स्टोरी मान लो होती है तो वो जल्दी याद हो जाती है, हमें इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी टोल्ड होता है। स्टैंड का ये स्टैंड फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म स्टूड, थर्ड फॉर्म स्टूड। वॉच का फर्स्ट फॉर्म ये वॉच हो गया, और सेकंड फॉर्म वॉश्ड, थर्ड फॉर्म भी वॉश्ड। ड्राइव सेकंड फॉर्म ड्रॉ, डी आर ओ वी ई ड्रॉ, थर्ड फॉर्म ड्रीवन, डी आर आई वी ई एन। ओके, ये पहला आ गया। मैक मैक्स,
एम ए के ई, एम ए डी ई, एम ए डी ई, इस प्रकार से फॉर्म्स होती हैं इसकी। ओके, इसके जस्ट बाद में जो है टर्न, टी यू आर एन टर्न, और टी यू आर एन ई डी टर्नड, ये होती है इसकी थर्ड फॉर्म, टर्न टर्न। ओके, एडिड एडिड सेकंड थर्ड फॉर्म, कोर्ट कैच की सेकंड फॉर्म ये कोर्ट है, थर्ड फॉर्म भी यही होती है। ओके, नॉर्मल सी स्पेलिंग है, ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं है। ओके, तो आप इनको स्टडी करेंगे। लिफ्ट का सेकंड फॉर्म लिफ्टेड होता है, थर्ड फॉर्म भी लिफ्टेड होता है। ओके, इसको आप तैयार करेंगे, इसकी वोकैब तैयार करेंगे, इसका ट्रांसलेशन देखेंगे, फॉर्म देखेंगे, सब टेंसेस का यूज देखेंगे। ओके, इसका रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे।